गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th में हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा था व्यावसायिक सेवाओं से संबंधित। व्यावसायिक सेवाओं में हमने विभिन्न सेवाओं के बारे में अब तक अध्ययन किया, बैंकिंग सेवा, ई बैंकिंग, बीमा, बीमा के कई प्रकार, किस तरीके से सामान्य बीमा और अन्य सामाजिक सुरक्षाएँ जो योजना हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया। आज हम इन सेवा व्यावसायिक सेवाओं में और एक सेवा को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है संप्रेषण सेवाएँ, कम्युनिकेशन सर्विसेज। आप सभी जानते हैं कि जो एक व्यवसायी व्यवसाय करता है तो वह स्वयं अकेला व्यवसाय नहीं कर सकता, उसे अनेक व्यक्तियों से संपर्क साधने की आवश्यकता होती है, चाहे वह ग्राहक हो, चाहे प्रतियोगी हो, चाहे आपूर्तिकर्ता हो, चाहे मालिक हो, चाहे कर्मचारी हो, एक विभाग से दूसरा विभाग हो, सभी को अपने विचारों को, अपनी सूचनाओं को एक दूसरे तक पहचानने के लिए संप्रेषण की आवश्यकता होती है। और इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसा संप्रेषण हो जो सही और सक्षम, द्रुतगामी, जल्दी से आवश्यक सूचनाओं को आदान प्रदान कर सकते। आज तेज़ी से बदलती हुई और प्रतियोगी दुनिया में सूचनाओं को शीघ्र आदान प्रदान करने के लिए उन्नत तकनीकों का होना नित्यांत आवश्यक है। कहते हैं कम्युनिकेशन के बिना ऐसे लगता है जीवन अधूरा है, बिना विचारों के आदान प्रदान के व्यवसाय क्या एक मनुष्य का जीना भी मुश्किल होता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इस रूपांतरण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। व्यवसाय की सहायक सेवाओं को डाक एवं दूर संचार सेवाओं में हम बांट सकते हैं। तो हम पहले पढ़ते हैं डाक सेवाएं क्या होती है। भारतीय डाक एवं तार विभाग भारत में विभिन्न प्रकार की डाक सेवाएं प्रदान करता है। इन सेवाओं को प्रदान करने के लिए उसने पूरे देश के अंदर 22 डाक समूह बांटे हैं। वे अपने केंद्र, अपने क्षेत्र और खंडों के माध्यम से प्रधान डाकघर, उप डाकघर, शाखा डाकघरों का प्रचालन का प्रबंध करता है। क्या क्या सुविधाएं देता है एक डाक विभाग, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले देता है वित्तीय सेवाएं। वित्तीय सेवाओं के अंदर वे सुविधाएं आती हैं जिसके अंदर हमें विभिन्न बचत योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं, जैसे PPF, किसान विकास पत्र हैं, राष्ट्रीय बचत, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जिसे राष्ट्रीय बचत पत्र भी बोलते हैं। इसके अलावा बैंकों में जिस प्रकार के कार्य किए जाते हैं, इस तरह के कार्य यहाँ पर मासिक आय योजना में आप आवर्ती संचय खाता खुलवा सकते हैं, बचत खाता खुलवा सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं, मनी ऑर्डर की सुविधाएँ यहाँ पर दी जाती है बैंकिंग कार्यों के तहत। तो ये आता है वित्तीय सेवाएँ। दूसरी होती है डाक सेवाएँ, जैसे पार्सल यानी एक सामान को दूसरे स्थान पर भेजना है, रजिस्ट्री संबंधी सुविधाएँ जो भेजी गई वस्तु को सुरक्षा प्रदान करती है। इसी तरह बीमा सेवा जो भेजी गई डाक रास्ते में जो उसकी जोखिम करने के लिए बीमा भी करती है। इसके अलावा भी कई सेवाएं डाक विभाग द्वारा दी जाती है, जैसे बधाई के संदेश, मीडिया संदेश, जैसे भारतीय निगमों के लिए अपने ब्रांड उत्पादन के विज्ञापन का एक नवीन और प्रभावी माध्यम है ये। वे अपना विज्ञापन पोस्ट कार्ड, लिफाफे, एरोग्राम, टेलीग्राम, डाक बॉक्स पर कर सकते हैं। इसके बाद में जो तीसरा तरीका अन्य सेवाओं में आता है, सीधी डाक सीधे विज्ञापन के लिए भी होती है। इसमें नियत पते पर अथवा बिना किसी पते के भी ये दिया जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिम वित्तीय सेवा संघ के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा स्थान यानी इंटरनेशनल फंड ट्रांसफ़र का भी, जिसके कारण 185 देशों से भारत को मुद्रा का हस्तांतरण संभव हुआ है। ये कार्य भी डाक विभाग द्वारा किया जाता है। पांचवा है पासपोर्ट की सुविधाओं के लिए भी आवेदन आप कर सकते हैं, इसमें भी अद्भुत सहयोग किया है। स्पीड से पोस्ट सेवा भी देते हैं, 1000 से अधिक निर्दिष्ट स्थानों पर हम स्पीड पोस्ट की सेवाओं का लाभ उठाते हैं, जो विश्व के लगभग 47 प्रमुख देशों को भी हमारे से जोड़ती है। और आखिरी है ई बिल डाक। इस डाक की ये नवीनतम सेवा है जिसमें BSNL और भारतीय एयरटेल के बिलों की राशि डाक की स्थिति पर जमा एकत्रित करती है। अब दूसरा जो हिस्सा है इसका वो है टेलीकॉम सर्विसेज। आप सभी जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूर संचार का ढांचा देश के तीव्र आर्थिक विकास और समाज के विकास का मूल आधार है, अर्थात इसके बिना, टेलीकॉम सेवाओं के बिना देश का आर्थिक और सामाजिक विकास नहीं हो सकता है। वास्तव में ये सब व्यवसायिक क्रियाओं का आधार होता है, रीढ़ की हड्डी इसे कहा गया है। आज समस्त विश्व एक गांव की तरह वैश्वीकरण के तहत एक गांव बन चुका है। यदि दूर संचार का ढांचा नहीं होगा तो पूरे विश्व के साथ अपने आप को जोड़कर व्यावसायिक सेवाओं का लाभ उठाने का सपना अधूरा ही रह सकता है। दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उद्योग में बहुत तीव्रता से प्रगति हुई है। जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करने की संभावनाओं को देखते हुए एवं 2025 तक भारत को IT हब के रूप में मानने का स्वप्न देखा जा रहा है।
और इस वास्तविकता में बदलने के लिए भारत सरकार ने 1999 में नई टेलीकॉम सर्विसेज भी शुरू की है और 2004 में एक विस्तृत नीति भी तैयार करी है। इस ढांचे के माध्यम से सरकार अब तक अछूते जो हमारे देश में क्षेत्र हैं उनमें सर्वव्यापी सेवाएं और देश की अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उच्च स्तरीय सेवा प्रदान करना चाह रही है। विभिन्न प्रकार के टेलीकॉम सेवाएं क्या क्या हैं ये मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। सेलुलर मोबाइल सेवाएं, ये सभी प्रकार के मोबाइल टेलीकॉम सेवाएं हैं जिसमें जुबानी और गैर जुबानी संदेश डाटा सेवाएं पीसीओ सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, इनके अंदर हम क्या करते हैं कि नेटवर्क उपनों का प्रयोग कर सकते हैं। अन्य टेलीकॉम सेवाओं किसी भी के द्वारा प्रदान की जा सकती है, वे उनमें से सहयोग कर सीधे आंतरिक गठबंधन कर सकते हैं। दूसरी होती है हमारी जिसको स्थाई लाइन सर्विसेज भी कहते हैं। ये सभी प्रकार की स्थाई सेवाएं जिसमें जुबानी और गैर जुबानी संदेश एवं डाटा सेवाएं भी सम्मिलित होती है जो लंबी दूरी तक संदेश भेजने के लिए उपयुक्त होती है। इसमें पूरे देश में बिछाए गए फाइबर ऑप्टिकल तारों से जुड़ा हुआ नेटवर्क उपकरणों का उपयोग होता है। इसमें अन्य टेलीकॉम सेवाओं से तालमेल रखा जा सकता है। इसके बाद हमारी आती है केबल तार सेवाएं। ये सीधी जुड़ी हुई सेवाएं या एक लाइन से दूसरी लाइन पर हस्तांतरित करने की सेवाएं हैं जो मीडिया सेवाओं के संचालन के लिए एक लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र में कार्यरत होती है। एक तरफा मनोरंजन से संबंधित सेवाएं हैं। केबल नेटवर्क के माध्यम से भविष्य में द्विमार्गीय संप्रेषण जिसमें जुबानी डाटा और सूचनाएं सेवाएं सम्मिलित है में महत्वपूर्ण होकर उभरेगी। केबल नेटवर्क के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं स्थायी सेवाओं के समान ही रहेंगे। फिर आता है वेरी स्मॉल अपचरर टर्मिनल। ये उपग्रह पर आधारित सेवाएं हैं, संप्रेषण सेवा है। इसके अंदर सरकार व्यवसाय और सरकार एजेंसियों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के में बेहद लचीली और विश्वसनीय संप्रेषण सुविधाएं प्रदान की जाती है। ये स्थल पर आधारित सेवाओं की तुलना में भी असल विश्वसनीय और निर्बाधित सेवाएं प्रदान करता है जो थल आधारित सेवाओं के समान और कहीं कहीं पर तो उनसे भी बेहतर होती है। इनका उपयोग दूरदराज के क्षेत्रों को जोड़ने तथा टेलीमेडिसिन ऑनलाइन समाचार पत्र बाजार भाव टेली शिक्षा जैसे नवीन प्रयोगों के लिए किया जा सकता है। फिर आती है हमारे डायरेक्ट टू होम। जैसा कि आप टेलीविज़न पर देखते हैं आजकल डिश एंटीना लगाकर सेटअप बॉक्स लगाकर व्यक्ति जो सीधे उपकरण के माध्यम से सेवाएं प्राप्त करते हैं ये वही सेवाएं हैं। ये सभी सेलुलर कंपनियों द्वारा दी जाने वाली उपग्रह आधारित मीडिया सेवा होती है। इसके अंदर डिश एंटीना या सेटअप बॉक्स की सहायता से व्यक्ति सीधे मीडिया से उपग्रह के माध्यम से मीडिया सेवा प्राप्त करता है। DTH सेवाएं प्रदान करने वाले अनेकों चैनलों का विकल्प आपको देते हैं। जितना आप पैसा उसके बदले में लेते हैं, जितना पैसा आप पे करते हैं चैनल के हिसाब से उतने चैनल आपके पर दिखाए जाते हैं। इनको हमने टेलीविज़न पर केबल नेटवर्क के सेवा प्रदान करने वाले के निर्भर हुए बिना नहीं देख सकते हैं। तो ये था हमारा आज जो था संप्रेषण सेवाओं के बारे में। अब अपना नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हम पढ़ेंगे परिवहन सेवाओं के बारे में। तो हम आज यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।